फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे अप्पे। अप्पे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी। मैं 1 कटोरी का यूज कर रही हूँ, तो 1 कटोरी मैं इसमें डाल रही हूँ सूजी, और मैं इसमें 1 कटोरी ही डालूंगी दही। तो दही भी हम 1 कटोरी में डाल लेते हैं। 1 कटोरी दही ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको कर लेते हैं हम अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको, और इसमें 1 कटोरी ही हम डालेंगे पानी, जिसमें कि ये सूजी फूल जाएगी। तो मैंने ये डाल रही हूँ मैं इसमें पानी 1 कटोरी। तीनों सेम क्वांटिटी में रहेगा, सूजी, दही और पानी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इनके लम्स निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एकदम स्मूथ बैटर बना दिया इसका। अब हम इसको सूजी को फूलने के लिए रख देंगे साइड पे, कम से कम 1 घंटे के लिए इसको इस तरह से रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ले लिया चटनी बनाने के लिए। मैंने ले लिया यहाँ पे 1/2 कप नारियल ग्रेट किया हुआ। तो इसको हम थोड़ी देर पानी में भिगो के रखेंगे, और कम से कम 10-15 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये फूल गया है। इसको अब हम इसमें डाल के इसको, तो फ्रेंड्स मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हम इसको अब पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, चटनी एकदम पिस गई है। हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक तैयार कर लेते हैं एक तड़का, जो कि हमारा रहेगा इसके लिए, चटनी के लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। तो हम इसमें डाल देंगे राई। राई को थोड़ा सा चटकने देते हैं, और हम यहाँ पे डालेंगे सूखी लाल मिर्च। मैंने तोड़ के डाली है, आपके पास छोटी वाली है तो आप छोटी वाली भी डाल सकते हैं। और हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता 8 से 10-12। तो फ्रेंड्स, तड़का तैयार हो गया। अब हम इसको डाल लेंगे इसमें, जो हमारी नारियल की चटनी है इसमें डाल लेंगे इस तरह। हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हमारी चटनी बनके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, हम इसी तड़का पैन में अब पन्यारम, जो मतलब वो है हमारे अप्पे, उसके लिए भी हम तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने डाल लिया इसमें ऑयल, इसको गरम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ऑयल हो गया गरम। हम इसमें डाल रहे हैं राई। राई को बस थोड़ा सा करके इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच से चने की दाल। चने की दाल डाल दूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें डाल दूंगी कड़ी पत्ता, और इसको मिक्स करते हुए थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे चने की दाल को। तो देखिए फ्रेंड्स, चने की दाल भी रेड हो गई है। तो अब हम इसको अपने जो अप्पे का बैटर बना रहे हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको कर लेंगे हम मिक्स। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रख लिया अप्पे पैन। इसको पन्यारम पैन भी कहा जाता है, साउथ में इसको पन्यारम पैन कहा जाता है। तो हमने इसमें डाल लिया है ऑयल, और हम इसको कर लेते हैं इतनी देर में गरम। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे नमक। इसमें हम ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, आप ऐड करिएगा। और इसको कर लेते हैं मिक्स। और साथ में हम इसमें डालेंगे इनो। इनो का मैं 1 सैशे पूरा 1 कप सूजी के उसमें डाल देती हूँ। तो एक पैकेट हम इसमें डाल देंगे इनो।
और बस इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये फूल जाए, देखिए कैसे फूल रही है। अच्छे से मिक्स करके इसको हम लगा देंगे पनियारन पैन में। देखिए फ्रेंड्स, अब ये ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, तो हम इसमें डालते जाएंगे एक एक चम्मच। थोड़ा सा गैस को स्लो कर लेते हैं और मैं इन सब में ये लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये लगा दिया। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, अब हम इसकी कर लेते हैं साइड चेंज। इसको हम उल्टा लेंगे। इस तरह से इसकी साइड चेंज कर लेंगे सभी की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गए हैं। तो हम इनको निकालते जाते हैं और एक जगह पे रखते जाएंगे। एक बाउल में निकाल रही हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं चटनी के साथ। आप भी बनाइए, आप भी खाइए, बहुत ही यम्मी बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।